नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंजुला। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूं वो है सत्तू का पराठा, जो एक बिहारी रेसिपी है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए हम बनाते हैं सत्तू का पराठा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्तू का पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी सत्तू जो भुने हुए चने का होता है, 1 मध्यम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज, रिफाइंड ऑयल आवश्यकता अनुसार, लहसुन और हरी मिर्च कुटा हुआ जिसमें हमने 2 हरी मिर्च और 5 लहसुन की कलियों को लिया है, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी, सरसों तेल 1 बड़ा चम्मच, नींबू का रस 1/2 नींबू का हमने रस निकाला है, आवश्यकता अनुसार नमक, थोड़ी सी धनिया पत्ती। सत्तू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे को गूंथेंगे, जिसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा नमक डालकर हम आटा तैयार करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। दो छोटे चम्मच, थोड़ा सा नमक, इसको हम मिक्स कर देंगे। धीरे-धीरे पानी की सहायता से आटा गूंथ के तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंथेंगे। एक बार ज्यादा पानी ना डालें क्योंकि ये गीला हो सकता है। आटा हमने गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब हम सत्तू का मसाला तैयार करेंगे। तो चलिए मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले सत्तू, कटा हुआ प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अजवाइन, कलौंजी, नींबू का रस, स्वादानुसार नमक, धनिया पत्ती, और ये मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल हम इसमें मिला देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करें। सत्तू का मसाला बहुत ड्राई होता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ताकि जब हम पराठा में स्टफिंग करें तो प्रॉब्लम ना हो। अब हमारा सत्तू का मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। सबसे पहले हम आटे से एक लोई लेंगे, आप बड़ा या छोटा ले सकते हैं, मैंने इतना बड़ा लिया है। एक बार और आटा लगाएंगे और इसे राउंड राउंड करके हम बिल्कुल कटोरी की तरह इसे तैयार करेंगे, देखिए, ताकि हम इसमें सत्तू अच्छे से भर पाए। अब हम भरते हैं सत्तू। अब हम इसे थोड़ा सा दबा देंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना आए और इसे राउंड राउंड करके हम इसे सेंटर पे ले आएंगे। इसे थोड़ा सा और दबा देंगे। बिल्कुल इस तरह से। अब इसे हम निकालेंगे नहीं, बस इसे इस तरह से हम दबा देंगे और ये हमारी लोई तैयार है बेलने के लिए। ये हम इसमें एक बार आटा लगा के और इसे बेल लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा हथेलियों से दबा दें ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। ये हमने 4 पराठे बेलकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे तवे पे सेकेंगे। सबसे पहले हम तवा चढ़ाएंगे, गैस को ऑन करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, हमने थोड़ा सा तेल इसमें डाला है और हम ये पराठा अब इसमें डाल देंगे। थोड़ा
थोड़ी देर बाद हम इसे पलट लेंगे। अब एक साइड से पराठा हमारा पक चुका है, तो अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। इसे पलट लेंगे। दूसरी तरफ भी हम ऑयल लगाएंगे। इसे हम दबाते रहेंगे चारों तरफ से, ताकि जो पराठा है वो अच्छी तरह से पक जाए। हम फिर से पलट लेंगे। तो आप तेज ही रखें। अब ये पराठा हमारा तैयार हो चुका है और गैस को धीमी कर दें और ये पराठा हम निकालेंगे। अब हम इसे प्लेट पे निकाल देंगे। अब हम दूसरा पराठा भी ऐसे ही रख देंगे तवे पे। हमने बारी बारी से सारे पराठों को सेक लिया है। अब हम इसे तवे से निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा पराठा अब तैयार हो चुका है। दोस्तों, सत्तू के पराठे बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे बैंगन के भरते के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ या सॉस के साथ, आप किसी भी चीज के साथ आप इसे खा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सत्तू का पराठा जरूर पसंद आएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।